हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज आने वाली है, कौन आने वाला है? नहीं, मौसा आने वाला है क्या? छोटा मौसा और काजल मौसी। हाँ, तो आज आएगी काजल और हमारे घर के छोटे जवाई जी पापा ये देखेगा ना। गुड मॉर्निंग। तो आज आने वाली है काजल और आती है तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ काजल से। और आ रही है तो इसलिए स्पेशल कुछ बन रहा है, तो ये है रोहू मछली जो कि मेरे छोटे पसंद के हिसाब से घर में खाना बनाया जा रहा है। तो मछली को दीदी ने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद ये अच्छे मात्रा में हल्दी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मछली की क्वांटिटी ज़्यादा है इस वजह से। उसके बाद अब क्या डालोगे? और अब नमक डालेगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देगी जिससे कि मछली के एक एक कोने में अच्छे से ये अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स हो जाए मछली में। और मछली की हल्दी और नमक इसलिए भी डाला जाता है कि जो मछली से स्मेल आती है वो नहीं आएगा। और हाँ, एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास नींबू अवेलेबल है, ये ऑप्शन में लेके चल सकते हैं आप। अगर है तो डाल दीजिए, इसका क्या बेनिफिट है नींबू डालने से? अच्छा, ये भी वही है, हल्दी नमक और नींबू डालने से जिसका जो इसका थोड़ा सा अजीब सा स्मेल आता है ना हाथ वाथ से खाने के बाद, तो वो स्मेल नहीं आएगी, वो चली जाएगी। सो इसलिए ये देखिए इस तरीके से फ्राई किया है दीदी ने, डीप फ्राई किया है। कुछ अभी फ्राई हो रहे हैं, इसके भी कौन सा मसाला तैयार किया है आपने? सरसों, धनिया, मिर्चा, टमाटर, हल्दी, नमक, बस इतना ही डालना है। जब हो जाने पर धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल देना। तो ये थोड़ा बंगाली स्टाइल है लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं पर्सनली खुद भी इन्हीं सब मसालों से बनाती हूँ। सो आज मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये मछली की रेसिपी भी शेयर करूँ। सो काजल नीचे आ गई है और मम्मी को एक रसम करना है। मम्मी क्या बोलते हो उस रसम को? हाँ, तो मम्मी ने बोला धार देना होता है जब भी बेटी या बहू आती है तो पानी में, लोटे में पानी रहता है और भी कुछ सामग्री होती है, तो गाड़ी से उतरने से पहले ऐसे धार दिया जाता है 5 बार, 2 बार या 7 बार। तो मम्मी वो लेके आ रही है, तब तक हम लोग चलते काजल से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बाबू और बड़ा बाबू तीनों लोग नीचे वेट कर रहा है और वो बस इंटर होने वाली है। इंटर होती है तो मैं आपको उसको उससे मिलवाती हूँ। तो काजल आ गई है और मम्मी जा रही है रसम करने। दिख रही है? तो मम्मी 5 फेरे लगा रही है गाड़ी के, तो ये लास्ट राउंड है मम्मी का। गिरना नहीं, खुल जाए। सुंदर लग रही है। तो सत श्री अकाल। मेरे को भी तो मौका मिले। तो यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी और फिर उसके बाद खाने का भी समय होने ही वाला है, बट नाश्ता भी देने के बाद हम लोग खाने की तैयारी शुरू करेंगे। खाना भी हम लोग का रेडी हो चुका है। तो ये इधर डीम का क्या है, तो यहाँ डीम का झाल भी तैयार हो गया। डीम यानी कि एग यानी कि अंडा, तो इसका झोल के साथ तैयार हो गया है। बोले तो कैसा कैसा। सो यहाँ पे खाना निकल चुका है, चावल, मच्छी और रोटी और डीम अभी बाकी है और सैलड। सो गाइस, लंच करने के बाद हम लोगों को लंच कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा। दीदी बनाई थी और मछली तो हम सबका फेवरेट है, सबको पसंद है। इवन चलो खासकर ये बनाए तो हाँ, बंगाली टच वाला जो है ना, हम लोग को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद हम लोग को इतनी नींद आ रही है ना, तगड़ी वाली, बट हम लोगों ने कंट्रोल किया है अपने ऊपर। सो मैंने सोचा कि अगर नींद आ रही तो नींद को भगाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो काजल से बातें किया जाए कि वो गई थी 20 तारीख को विदाई हुई थी, तो 20 तारीख से लेके आज 2-3 दिन हो गए, तो उसको कैसा लगा वहाँ पर, तो बताओ। अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छे हैं, घर की तरह फीलिंग है बस। अच्छा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉय कर रही है, खुश है ना? बहुत। तो बस यही चाहिए एक लड़की को, खुश हो, पति समझने वाला हो, सास प्यार करने वाली हो और नंदे
बहुत प्यार करने वाली हूँ वो भी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसको आशीर्वाद देते रहिएगा कि काजल अपनी लाइफ में ऐसे ही सारा कुछ मैनेज कर सके और सबको खुश भी रख सके। तो बस, और अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप लोग हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फिलहाल तो हम तीनों बहनें बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो अभी अभी कुछ ऐसा हुआ फिल्टर है बाबा, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक है कि मैं क्या बताऊँ। एक फोटो दिखाती हूँ आपको, ऐसी दिख रही है, ठीक है। अभी मैं जिस ऐप के बारे में बता रही थी फिल्टर के बारे में, एक मिनट दीदी ये देखिएगा। एक मिनट, तो आपने देखा ना कितनी जमदार दिख रही है। बस इसी बात पे आज खूब हंसी हुई है, और आप लोग भी घर में कुछ ऐसा ही करिए कि हंसते हंसते मजा आ जाए घर में सबको। रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाँ, और देखते रहिए पूजा का ब्लॉग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखिए पूजा का ब्लॉग। ब्लॉग क्या? स्टाइल ऑफ स्त्री बाय पूजा गुप्ता। तो काजल जा रही है, चेंज भी कर लिया है उसने जो मायके से साड़ी मिलती है, उसके बाद अब चले मिलते हैं और उसको उसकी विदाई करते हैं। यहाँ पे हो रहा है, मम्मी को, मम्मी काजल को पूजा दे रही है। ये अभी पहली विदाई है, और इसके बाद जितनी भी विदाई होगी पूजा ज़रूर दिया जाएगा घर की बेटी को। तो मम्मी वो रस्म कर रही है। काजल कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। हो गया, इधर देखो, अब बताना सुबह में आना है। चलो, हाँ हाँ पहुँचो, फिर चलते घूमते हैं जिंदगी। हम पहुँचे, आप पहुँचेंगे तब तो हम पहुँचेंगे लखनऊ ना। हाँ तो कैसी में है मोबाइल? खुश रहो, खुश रहो, बड़ी जीत। तो गाइस से बोलो, गाइस से बोलो कि गाइस आज की व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। बोलो, मैं यही एंड करती हूँ। और मिलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप तक मेरा ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारा प्यार। बाय बाय गाइस।